हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉप वंस इन फैक्ट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिग बॉस 13 के बारे में। अगर आप चाहते हैं बिग बॉस का सारा अपडेट आप तक पहुंच सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली जितनी सारी अपडेट हैं बिग बॉस की वो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए जानते हैं और बात करते हैं बिग बॉस 13 के बारे में दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ हो रही है दोस्तों कि बिग बॉस के फर्स्ट एपिसोड में बेड शेयरिंग हम देखेंगे। बेड शेयरिंग के लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, क्योंकि कुछ लड़कों को सोते समय आवाज़ निकालने की आदत है और इससे बहुत लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं और कुछ लड़कियां लड़कों के साथ एक साथ बेड शेयरिंग करने में अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तो ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बेड शेयरिंग को लेकर। फिर हम देखेंगे अमीषा पटेल घर में आती है और सारे हाउस गेस्ट एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी अमीषा पटेल बोलती हैं कि अगर घर का सामान चाहिए आप लोगों को तो उसके लिए एक टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, जहां सारे कंटेस्टेंट खाने को लेकर एक दूसरे से पास करते हैं। वो खाना कलेक्ट करके मुंह के थ्रू एक दूसरे को पास करते हैं और तभी हम उसके बाद देखेंगे ये एपिसोड, मतलब ये टास्क ख़त्म होते ही सारे घर का खाना आ जाता है दोस्तों और हाउस गेस्ट काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी हम देखेंगे असीम एंड पारस की फ़ाइट हो जाती है, क्योंकि असीम एक गाना गाता है और हम देखेंगे पारस उसे गाने को लेकर गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि ये ओरिजिनल सॉन्ग नहीं है और भी बहुत कुछ बातें हैं दोस्तों जो कि हमने शो के पहले दिन में देखा था दोस्तों, कि पारस असीम से कुछ ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं और पारस फिर असीम को गधा भी बोल देते हैं। तभी सारे हाउस गेस्ट एक दूसरे को समझाने में लग जाते हैं कि क्या बोलना चाहिए क्या और क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो देखेंगे दोस्तों कि आइए ये हाउस गेस्ट कितना समझ पाते हैं और कितना समझा पाते हैं और ये शो में कौन टिक पाता है कौन एलिमिनेट हो जाता है दोस्तों। तो ये सब बात है दोस्तों। तो आने वाली बिग बॉस की जितनी सारी अपडेट है दोस्तों मैं आप तक लाता रहूँगा, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली जितनी सारी अपडेट है वो आप तक पहुँच जाए और बेल आइकन को प्रेस कर दें। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।